बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आए विधानसभा चुनावों ने बहुजन समाज पार्टी के लिए नया संकट खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय तबका बचाने के लिए चार राज्यों में कम से कम आपको बता दें कि उनके पास वोट शेयर की अच्छी खासी संख्या होनी चाहिए, तब जाकर आपको बता दें कि पार्टी का राष्ट्रीय जो तबका है बचता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जिसे उसका गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन आज के आए नतीजे इस प्रकार लगे जिससे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं किसी बाहरी राज्य में आपको बता दें कि चुनाव लड़ रही थी। और बहुजन समाज पार्टी के पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में जितने वोट आए थे उनमें से आपको बता दें कि करीब 10% बसपा के वोट शेयर में कमी देखी गई है। बहुजन समाज पार्टी को पिछली बार 22.5% के आसपास वोट मिला था, लेकिन इस बार आपको बता दें कि 12.5% वोट ही उन्हें नसीब हुआ। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लिए इस बार बहुत अच्छी आपको बता दें कि ताकत देखने को मिली। पिछली बार जहां समाजवादी पार्टी के पास 21% वोट था, इस बार समाजवादी पार्टी 11% वोट शेयर में बढ़ोतरी करती हुई 32% वोट लेने में कामयाब हो गई। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र रसडा विधानसभा सीट से यूपी में जीत पाई है।